प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका चैतन्य श्रेणी में। दोस्तों जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्कॉलरशिप से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुली वेबसाइट, ठीक है, तो जो वेबसाइट है वो हमारी कुछ खुल चुकी है। फरवरी में आपको डेट बता दी गई थी कब खुली थी और किस किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे, ठीक है। तो मैं इसकी आपको कुछ खबर पढ़ के बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप से वंचित, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहली लाइन में यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। 16 तक सही कराए बैंक अकाउंट संख्या और विकास भवन में पहले दिन उमड़ी विद्यार्थियों की भीड़। दोस्तों ये अमरोहा का समाचार पत्र है और वहीं के विकास भवन में जो है विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ी होगी, इसलिए वही बात यहाँ कही गई है, ठीक है। तो मैं पता आपको खबर के बारे में जानकारी देता हूँ थोड़ी सी। स्कॉलरशिप से वंचित छात्र छात्राओं को दोबारा मौका मिला है। छात्र छात्रा रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए स्कॉलरशिप फॉर्म की गलतियों को सही कर सकते हैं। बैंक अकाउंट संख्या समेत अन्य त्रुटियों को सही करने का मौका 16 फरवरी तक है। छात्र छात्राओं का हुजूम विकास भवन में उमड़ गया, आया उन्हें तरीका बताया। इसके बाद छात्र छात्राएं घर लौट गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश के बाद स्कॉलरशिप से वंचित छात्र छात्रा को सहूलियत मिली है, उनके लिए वेबसाइट खुल गई है। छात्र छात्राएं खुद फॉर्म में त्रुटियों को सही कर सकते हैं। अब देखिए ये जिले की अमरोहा जिले की खबर है, ठीक है। अमरोहा जिले में 1,08,004 छात्र छात्राओं ने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे हैं, लेकिन 32,201 छात्र को स्कॉलरशिप मिल सकी है, जबकि 68,603 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की दरकार है। गलती को सही कर उसे ऑनलाइन सबमिट करना है। इसमें बैंक अकाउंट संख्या, बैंक शाखा और नाम आदि सही कर सकते हैं, ठीक है। तो और कहा गया कि विकास भवन, समाज कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मंगलवार को छात्र छात्राओं को हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने कर्मचारियों से करंट स्टेटस को लेकर चर्चा की है। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र चेतन सिंह ने कहा कि कार्यालय में जानकारी के लिए आया हूं, ऑनलाइन तरीके से दुरुस्त करने को बताया गया है, अब मैं फार्म को सही करूंगा। वहीं बी फार्मा द्वितीय वर्ष के छात्र सहवाज आलम ने कहा कि स्कॉलरशिप फार्म के करंट स्टेटस में बैंक द्वारा रिजेक्ट बताया गया था, अब उसे सही कर रहा है। स्कॉलरशिप के लिए कई बार दौड़ लगा चुका हूं। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबर स्कॉलरशिप से संबंधित आपकी, ठीक है। तो 16 फरवरी तक आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं संशोधन करने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर स्कॉलरशिप से संबंधित। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।